ये पेड़ है उल्टा पेड़ है, बोला कि इस जो इसकी जड़ है ऊपर वाली देवी देवता भी आते और डायने भी आती है। भाई सिचुएशन देख के डर लग रहा है, आगे देखो सिचुएशन जरा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो मेरे साथ निशांत भाई, निशांत भाई ने मोबाइल पकड़ा है। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ, तो डायना पार्क जा रहे हैं हम। और निशांत भाई को बोला, प्लान बना कि जाते हैं डायना पार्क, और साथ ही हमारे विक्टोरिया ब्रिज है, ऐतिहासिक ब्रिज, और पंचवक्त्रा जी महादेव जी का टेम्पल भी है सामने। बोले चलते हैं आपको डायना पार्क। निशांत भाई जी से मिलो, निशांत भाई अपने साथ। नमस्कार सभी को, नमस्कार। और हमारे पीछे पंचवक्त्रा जी महादेव जी का टेम्पल है, और हम जा रहे हैं डायना पार्क। बोलते हैं भाई, ये जो महीना चला हुआ है ना, अगस्त महीना, भादरू महीना, काला महीना चला हुआ है, बोला है कि इस टाइम फाइट होती है ऊपर डायनो और देवताओं की। जा रहे हैं हम भी। फाइट करने नहीं। अच्छा, फाइट नहीं करनी। मैंने सोचा फाइट करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, तो बताते हैं आपको, जा रहे हैं हम फाइट का तो पता नहीं गाइस, बताना कमेंट में होता है ऐसा कि नहीं होता है। तलवार का है। हमने तो सुना है कि होता है, पता नहीं, बाकी बताना आप कमेंट में। और चलते हैं, ले चलते हैं आपको। तो गाइस चल रहे हैं इधर से, बाइक हमने पुल के नीचे लगाई हुई है। बाकी निशांत भाई की बाइक हमने सुंदरनगर में लगा दिया है, तो बोला कि मेरी बाइक पे चलते हैं। बढ़िया, इधर तो गिरेगी भाई ऊपर बारिश पहाड़ों के बीच में। हाँ तो गाइस आ रही है बारिश ऊपर से, तब तक हम निकल जाएंगे इधर से। उम्मीद करते हैं कि आगे ना मिले हमें बारिश, क्यों भाई। तो गाइस ये जो राइट साइड वाली सड़क है, ये चलेगी परासर को। और निशांत भाई बोल रहे हैं कि इधर से भी जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी ब्रो, बिल्कुल। तो हम जा रहे हैं पद्धर वाली साइड से। बाकी इस साइड तो लग नहीं रहा है बारिश है, इस साइड तो गिर गई है, अंधेरा अंधेरा हो चुका है भाई। पीछे देखो बारिश गिर गई है सारी। देखो ऊपर। तो गाइस पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इस साइड बारिश गिर गई है इस एरिया में। बाकी उम्मीद करते हैं कि आगे ना हो बारिश बस। बाकी पेट्रोल डलाएंगे इधर आगे जैसे पेट्रोल पंप में, और हवा भी कराएंगे चेक। तो अभी हवा भरा लिया हमने टायर में, बस पेट्रोल डलाएंगे अभी और चल पड़ेंगे। क्यों निशांत भाई? हाँ जी बिल्कुल भाई, बारिश आने वाली है। बारिश भी आने वाली, मंडी वाली साइड तो गिर गई है मेरे को ऐसा लग रहा है इधर से देख के। भीग जाएंगे इस साइड, साफ है मौसम। ठीक है गाइस, डला लेते हैं पेट्रोल। तो गाइस हल्की हल्की बारिश गिर गई हमको इधर ही, तो आ गई साइड से, आ गई तगड़ी बारिश। गाइस ये जो पहाड़ जो खोदे हैं ऊपर, निशांत भाई बोल रहे हैं भी नमक की खान है ना, ये लैंडस्लाइड हो रहा की खान ही है। नहीं, वो तो खान नहीं भाई, नमक करी। बाकी आगे हम बारिश को पीछे छोड़ के, पीछे तो तगड़ी बारिश गिर चुकी है इस टाइम मंडी में। तो गाइस तरंग पहुंचने वाले हैं हम। तो गाइस बीच एनएच में बढ़िया पीपल का पेड़ है, तो मतलब काटा नहीं है, रहने दिया है बिल्कुल बीचों बीच सड़क के। तीन डायना पार्क को दिन हो जाए ना, अच्छा जी लिखी रहा दादी जी देती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दादी जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो गाइस ना मेरे को है रास्ते का पता, ना निशांत भाई को एग्जैक्ट पता है। सुना ही है हमने कि ऐसी ऐसी सड़क है जाने वाली। हाँ जी, तो हम पहले मतलब जहाँ पे देव के मंदिर में आता हूँ ना, हाँ तो उनका मंदिर है ऊपर जैसे, हाँ तो मैं वहाँ पे आता रहता हूँ, पर मैं यहाँ से गया हूँ एक दो बार, याद रही है। अच्छा अच्छा, तो बाकी गाइस मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, निशांत भाई भी पहली बार जा रहे हैं। तो निशांत भाई तो बोल रहे हैं कि गए हैं आगे तक, बाकी मैं तो गाइस पहली बार ही जा रहा हूँ। हाँ जोगिंद्र नगर के लिए गाइस यही सड़क जाती है, तो इस साइड तो गए होंगे काफी बार, पर जहाँ से टर्न बोला ना दादी जी ने उस साइड नहीं गए हूँ। तो गाइस बोला जाता है जो महीना चला है आजकल, अगस्त का महीना चला है, काला महीना है, भादरू महीना है, तो इसी महीने होती है डायनो और देवता की फाइट भाई उधर। बाकी गाइस एक पेड़ भी उधर बोला जाता है कि वो पेड़ उल्टा पेड़ है भाई, जैसे कि उसकी जड़ है ऊपर है और जो मतलब उसका टॉप है वो नीचे वाली साइड है। मतलब मैंने भी किसी वीडियो में ही देखा था और सुना था कि ऐसे उल्टा पेड़ है उधर, कि ऊपर से सूखा है नीचे से हरा है, बोला जाता है कि उल्टा पेड़ है वो। तो गाइस है तो है सोचने वाली बात कि शायद हो सकता है उधर कुछ ना कुछ, क्यों भाई। तो बताना आप कमेंट में कि आपको क्या लगता है। अब देखते हैं वहाँ जाके लगेगा पता कि डायने है कि नहीं है। तो हमें तो कहाँ दिखेगी, नहीं मेरी दिव्य दृष्टि भाई। अच्छा दिव्य दृष्टि। हाँ तो गाइस बोला जाता है कि जैसे अगर मान लो देवी देवता जीत गए
तो भाई फसल नहीं होती है, कम होती है फसल और जान माल का नुकसान नहीं होता है। अगर मान लो टाइने जीत गई तो भाई फसल ठीक ठाक होती है और जैसे जान माल का नुकसान होता है भाई। भाई ये तो लग भी रही है भी नमक की खानी है भाई, वो भी दूर वो नहीं नहीं होगी होगी स्टार्ट वो छोटी होनी है ना पत्थर निकला हो हमने नमक का स्टार्ट हो गई थी। अच्छा तो गाइस बस पहुंच गए, पूरा नहीं है ये मेन खाने ही यहां से जाता है नमक वाली दिया। अच्छा तो काठा नमक होता है। हां तो गाइस जो काठा नमक होता है सुना होना आपने लोकल लैंग्वेज की में की काठा लून, जिसको गाय को भी खिलाया जाता है भैंस को भी खिलाया जाता है। अच्छा वो वाला। हां तो गाइस इधर से जाता हुआ है ना, तो गाइस इधर है द्रंग, द्रंग बोलते हैं इधर। तो गाइस इधर पीछे जैसे होटल था उस होटल पे लिखा था साल्ट वैली होटल। तो गाइस ये जो पहाड़े हैं नमक है इसमें जो नमक के पत्थर निकलते हैं इन पहाड़ियों से बोला जाता है कि द्रंग भाई, द्रंग का नमक बोलते हैं भाई। तो गाइस निशांत भाई बोल रहे हैं इधर से हो जाएंगे हम राइट साइड को टर्न, बाकी पूछ भी लेंगे इधर से कहीं किसी को। तो गाइस इनसे पूछ लेंगे एक बार, पूछा ला आंटी जी कटी हिंडी जो है रास्ता जा रहा है ये डायना पार्क को भी नो रास्ता जी। हाँ कहाँ से ले आगे खाते। हाँ जी ठीक है जी धन्यवाद। तो गाइस एक रास्ता है आंटी जी बोल रहे थे कि आगे से भी है वो है डायना पार्क को सीधा, तो सीधे जाना था टेटी की चलाई रहे रास्ता है किन्नू जाना सा पीछे चले हैं भाई। ये तो गाइस बोला कि इधर से भी जाते हैं डायना पार्क को आगे से रास्ता, निशांत भाई बोल रहे हैं कि इस रास्ते का मेरे को आइडिया है भाई थोड़ा बहुत, बाकी परे वाला रास्ता हमारे लिए अननोन ही है बिल्कुल, तो उधर से नहीं जा रहे हैं क्यों निशांत भाई। हाँ जी भाई पहले यहाँ पे ये नहीं बना हुआ था, यहाँ पे पानी सड़क से जाता था पता है वो ऐसे ऐसे मार रहे हो घुसिया और भाई तो 24 साल हुई है। बाकी गाइस निशांत भाई बोल रहे हैं कि ये पुल नहीं था पहले, एक क्रॉस करके आना पड़ता था। हाँ पानी सड़क के नीचे यार वो। अच्छा तो गाइस उधर बारिश गिरती हुई दिख रही है, निशांत भाई बोल रहे हैं कि इधर ये डायना पार्क बारिश नहीं है युद्ध चल रहा। तो गाइस लग रहा है कि युद्ध चला है भाई डायनो और देवताओं का। हाँ जी डायनी जो बज रही है धोबी पटके धोबी पिछाड़ हिमांशु भाई साची है कभी डायन ना लिए होंगे सब की कोई चक्कर नहीं है आपको बाइक पे इसके बाद। डायना पार्क ये सो बोलिया दुनिया घूमी और डायना पार्क थोड़ा ना कह रहे। तो गाइस ले लिया हमने डायना पार्क के लिए टर्न, इधर भी पूछा उन्हें भाई जी थे पीछे इनसे पूछा कि कहाँ से है डायना पार्क, बोला कि यही सड़क है। तो ठीक है आ गए हम। तो गाइस इधर से आए हम नीचे से, बाकी साइड रह गया मंडी और सामने इधर जाएंगे शायद हम, मेरे को लग रहा है जहाँ जो अंधेरा जैसा पहाड़ी पे यही तो नहीं है भाई। हाँ जी तो बाकी व्यू देखो आप बहुत ही सुंदर है इधर से, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो चलते हैं ले चलते हैं आपको। तो गाइस जंगल वाला रास्ता है सारा इधर से, पीछे तो ठीक ही था पर इधर से हो गया जंगल वाला रास्ता शुरू। लोकेशन देखो अब कितनी प्यारी है, इधर से नीचे वाली साइड व्यू देखो और हमारे राइट साइड को जंगल है सारा और बहुत ही प्यारी सड़क है बीचों बीच से। उपमंडल कमांड सीमा समाप्त, तो भाई इधर तक था कमांड, कमांड की जो बाउंड्री थी ना इधर तक थी। तो गाइस बोला जाता है कि काला महीना होता है अगस्त वाला, जो ये अगस्त के बीच जैसा है। तो ये देखो, ये देखो प्रूफ भाई सामने सब कुछ ही काला काला है, तो काला ही महीना है। तो गाइस बोलते हैं भी इस महीने फाइट होती है देवी देवता और डायनो की, तो सच्ची में लगी है फाइट मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है भाई। भाई तो ये डायनो वाला कितने दूर है यहाँ से भाई, जा सकते हैं ऊपर तक लड़ देता लग रहा हूँ डाइनी डूनी नहीं यार और रोज आऊँ से वो और हड़ने से आऊगी यही की कहते हैं ठीक है भाई। भाई थी वो भाई सिचुएशन देख के भी डर ही लग रहा है आगे देखो सिचुएशन जरा नहीं टेढ़ा नहीं हुआ कहते थी नहीं सूची डाइना कने कर लग रहा हूँ ब्लॉग एडिट करता कहते आगे देखी डाइना
वार मोटी प्यारी जगह ही आगे है ना। ये देखो आगे घर है कि क्या है, बहुत ही प्यारी जगह पर है घर भाई। बढ़िया पिकनिक मना रहे हो। ये देखा देखा दूजे बॉडी बिल्डर है। तो कह जी दस दो सड़कें हैं भाई, दस भी गलत रोड पूजे 15 महीने पर कौन जा सड़क उन्हें मैप देखा वाला मैप मारा जाए। तो हमने मैप पर किया चेक, मैप तो दिखा रहा है कि ऊपर वाली सड़क है, तो ऊपर वाली लग रही है भाई है ना, एक कहीं नीचे से आई होनी। हाँ ये पद्धर वाली होगी शायद वो वाली। हाँ तो चलते हैं फिर, लेट्स गो। तो भाई जो ऑफ रोड शुरू हो गया इधर पीछे से ही, बाकी नीचे देखो आप, मेरे को लग रहा है भाई साइड तो बारिश गिर गई है ठीक ठाक ही। तो कहते हैं से काला महीना नहीं बोलते इसको, देखो भला सब कुछ अंधेरा ही छा गया है, पर दिन में भाई दोपहर का टाइम है इस टाइम। चलो ना मैं आया घोड़े पर, घोड़े पर आना बैठा था। हेलो शंभुनाथ, बाकी अंकल जी से पूछा हमने पीछे से, उन्होंने बोला कि 3 किलोमीटर है इधर से, बाकी बातें अलग। व्यू देखो आप, बहुत ही सुंदर है इधर से, बहुत ही अच्छा, और नीचे वाली साइड को भी बहुत ही प्यारा, सारी पहाड़ियाँ नीचे दिख रही है इधर से। तो किसी गांव होकर जा रहे हैं, गांव है पता नहीं हमें क्या नाम है इस गांव का, स्कूल भी है सामने, गवर्नमेंट स्कूल है। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। कितना कर रहा है इधर से डायनाबार का? 2 किलोमीटर चल। बहुत बहुत थैंक यू भाई। इसी स्कूल में पढ़ते हो? नहीं। हाँ पीछे कहाँ? क्या इधर गांव का क्या नाम है? कचौटदार। अच्छा नहीं यार, आप भी बहुत क्यूट हो। निशांत भाई को कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। गाँव का नाम क्या था? सहन बाबू है। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। और जहाँ हम जा रहे हैं उधर बोलते हैं घोगड़दार। हाँ तो 2 किलोमीटर रहा है इधर से। तो गाइस ये देखो बहुत ही सुंदर गांव है इधर, छोटा सा। तो गाइस इधर अखरोट के पेड़ भी हैं। अखरोट के पेड़ हैं। अखरोट रही हो? हाँ डन। इधर बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चली है। तो गाइस सामने थोड़ी थोड़ी धूप लगी है इधर, जहाँ मैं इस साइड तो अंधेरा ही हो चुका है। क्या थी पता नहीं, बरखा क्या धुंधे तो नहीं है जाना। बाकी गाइस रोड देखो आप, बहुत ही प्यारा रोड बनाया है इधर से। तो गाइस व्यू देखो आप इधर से, व्यू भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। और हम इस टाइम बिल्कुल पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे हैं। तो गाइस हमने सोचा था कि ऊपर है डायना पार्क, पर नहीं इधर नीचे है। व्यू देखा तो भाई तो गाइस व्यू देखो अभी साइड, वो भाई नीचे खेत है लगाया कुछ, खाड़ा था ये खेत है भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं खेत नीचे। और गाइस बहुत ही सुंदर घर बनाया लोगों ने इधर, छोटा सा गांव, क्या बोलते हैं इधर गोगड़दार। भाजी डायना पार्क के थी यार सी जगह के थी, जैसे से पार्क जैसे सो जहां से पार्क नहीं भाई, जैसे युद्ध हुआ भाई। ओ भाई ये जुदे छो ऊपर पर यहां डंगे टाइप था, दीवार टाइप जितनी बस। अच्छा ही स्पीड की थी, उल्टा पेड़ भी है ते थे अठे इन पर जगह के दिख सा। अच्छा ये से रोड पर। अच्छा ही ए और ऊपर है पार्क, यहां से आए दूसरी साइड आ रही है ना, ये है पार्क ऊपर है। भाई इधर से व्यू देखो आप, निशांत भाई बढ़िया खुश हो गए हैं। और इधर है भाई ये पार्क ऊपर जो रेस्ट हाउस है। तो गाइस बोला जाता है जो महीना चला हुआ है अगस्त महीना चला हुआ है, काला महीना भादरो महीना, तो गाइस लग ही रहा है इधर काला महीना सच में। देखो सारा अंधेरा अंधेरा हो रहा है सारी साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। बाकी ये है जो पार्क है इधर है रेस्ट हाउस। और एक भाई ने बताया उधर लड़ता है
हाँ जी उधर होती है लड़ाई, उस भाई ने बताया। कहाँ जैसे? ये जो ये नहीं है छोटा जैसा है ये अच्छा अच्छा ये जो है इसके पीछे की तरफ यहाँ पे पूछा भाई किधर होती है लड़ाई जहाँ अभी बताया हमने, पर उन्होंने बोला कि देखी नहीं है किसी ने ना, तो पता नहीं अब होती है कि नहीं होती है। आप भी बताना कमेंट में आपको क्या लगता है, होती होगी कि नहीं होती होगी। बाकी आना आप जरूर इस जगह पे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है डरने वाली बात। बाकी आओ आप इंजॉय करो, बहुत ही अच्छी जगह है। हम आए हैं, बाकी भी आए हैं देखो इधर, और लोग भी आए हैं बहुत सारे, तो आओ आप, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। जब मर्जी आओ, ऐसा नहीं है कि इस महीने नहीं आना या ऐसी इस टाइम पे नहीं आना, जब मर्जी आओ आप, है ना। तो गाइस व्यू देखो आप चारों साइड, बहुत ही सुंदर, और नीचे से मेरे को लग रहा है सड़कें तो अभी निकली हैं सारी, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मौसम भी बहुत ही अच्छा है इधर। शांत भाई, तो गाइस हम अपना दोस्त भी मिल गया इधर, तो कुरकुरा खा रहे हैं हम, इसको भी खिला देते हैं। दिया हमने पहले भी खा दिया इन्हें, कई कुत्ते नहीं खाते यारो। बिस्कुट दे देते हैं इसको, बिस्कुट भी ला रहे हैं उल्टा, चलिए सब मुन्नू मारो। यहाँ डायनाबाड बोलते हैं, ये जो जगह है यहाँ पर, यहीं के देवी देवता नहीं मतलब पूरे ऑल इंडिया समझो आप, देवी देवता भी आते हैं और डायने भी आती है। और बाद में क्या होता है हमारा इधर नागपंचमी टाइप बोलते हैं उसको, नागपंचमी जब होती है, हाँ जी वो होती है, तब फिर हमारे गुरु के माध्यम से बताया जाता है देवता के पास कि इस बार डायना जीती है या देवते जीते। हर जगह अपने अपने सभी देवताओं के पास नागपंचमी में जाग भी होती है, और सभी अपने अपने तौर तरीके पर बताते हैं कि कौन इस बार जीता है। पर इसका ऐसा है, ये पुरानी परंपरा चली हुई कि घोघर धारा डैना बाढ़ में जो हमारे देवी देवता और जो डैने आती है, ये बहुत मतलब शक्तिशाली है, डैना भी बहुत शक्तिशाली होती है, कई बार देवता से जीत कर भी जाती है, और इनकी पूजा नहीं होती है, इनकी पूजा नहीं होती, हमारे देवी देवता की पूजा होती है, कई बार देवता हमारे हार भी जाते हैं। तो ऐसा कोई भी निशान नहीं है यहाँ पर कि चिन्हित निशान है कि यहाँ पर एक ही जगह पर लड़ाई होती है। ये घोघर धार और डैना बाढ़ ये तो पूरा मतलब आज इस भादरो महीना जो हमारा चला हुआ है इसमें पूरी युद्ध चला रहेगा, इसमें पूरे महीना हमारे तो जो देवी देवता के दरबार बंद रहते हैं, बोलते हैं कि अभी पूरे महीना जो अभी देवता के दरबार नहीं खुल रहे, तो मतलब देवता जो बाहर जाते हैं युद्ध के लिए, डायना बाढ़ हुआ मतलब धार, इसमें पूरे ये जो धार है देवता के लिए युद्ध ये सिद्ध पूरी धार में होता है। पर ऐसी कोई भी निशान नहीं है, कोई भी चिन्हित निशान नहीं है कि जहाँ पर हम एक जगह नहीं बता सकते, पर डैनाबाड़ और घोघर धारे पूरी धारे है। लड़ाई का तो सर ऐसा है, तीन युद्ध होते हैं देवी देवताओं के और डायनों के। पहला होगा समुद्र के टापू में, दूसरा होगा फिर ऊपर आकाश में, तीसरा होगा फिर जमीन में घोघर धार में। ऐसा जो है बुजुर्गों से हमने सुना है, जो पुराने पंडित जो गुरु थे, कि भाई तीन जगह जो है युद्ध होता है। पहले युद्ध के लिए तो नीचे समुद्र के टापू में जाते हैं, और दूसरा फिर ऊपर आसमान में लड़ते हैं, और तीसरा होता है घोघर धार में। ये जो एरिया है हमारा भी है, डायना पार्क में बैठे हैं। तो इस प्रकार की हमने हिस्ट्री सुनी है बुजुर्गों से। हाँ जी भाई, जो पुराने पुराने गुरु थे भाई, जब वो कहीं ऐसे जगह एकांत में बैठ जाते थे तो वो जो है उनको दिख जाता था जी, आवाज़ें आती थी हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अब तो मुझे लगता कि 40-50 साल से कोई ऐसा। तो गाइस हमने बना ली थोड़ी सी वीडियो इधर, लोकल से पूछ रहे थे वो। बाकी ऐसा है कि इन्होंने बोला कि हम बचपन से इधर हैं, बचपन से पले बड़े हैं, तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कि इधर आना नहीं है कि ऐसा है कि इन्होंने भी अपने पूर्वजों से ही सुना है कि भाई ऐसे लड़ाई होती है डायनो और देवताओं की। तो आओ आप, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और ये देखो व्यू चेक करो आप इधर से, बहुत ही अच्छा है। और लेके चलते हैं आपको अंदर, रेस्ट हाउस है बताते हैं अंदर आपको, पार्क जैसा है रेस्ट हाउस। तो गाइस जा रहे हैं हम अंदर, देख खाते हैं कैसा है अंदर, रेस्ट हाउस है अंदर, ऐसा बोला उन्होंने कि जाओ आप। तो भाई ये देखो इधर छोटा सा तालाब है, तो भाई ये रेस्ट हाउस इधर। तो भाई फॉरेस्ट वालों का है कि पीडब्ल्यूडी वालों का है, बस यही नीचे चले बस में। तो भाई इधर है छोटा सा पार्क, बाकी निशांत भाई खड़े गए हैं, बोले फोटो लो मेरा तो ले लेता हूँ निशांत भाई का फोटो।
तो गाइस इधर मौसम भी खराब हो रहा है, इधर धुंध ही धुंध आ गई उस पहाड़ी पे, तो भाई लग गया उधर ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर बहुत ही अच्छी जगह है आने के लिए। बाकी जो लोकल थे उन्होंने भी ऐसा बोला कि हम बचपन से इधर ही पले बड़े हैं, तो ऐसा हमने सिर्फ सुना ही है पुराने लोगों से, है ना, जो बुजुर्ग थे इनके उनसे सुना ही है, बाकी देखा किसी ने भी नहीं है। उल्टा पेड़ है भाई इधर नीचे, बोला जाता है कि वो पेड़ उल्टा है, तो उसको दिखाते लगा दिया हमने बाइक, आ गया हम ऊपर से डायना पार्क से। बाकी इधर बोलते हैं कि ये जो ऊपर पेड़ है उल्टा पेड़ है भाई ये। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है भाई? देखो नाखूनों जैसे लग रहे हैं इसके ऊपर से, जैसे डाइनो के नाखून होते हैं बड़े बड़े वैसे लग रहे हैं इसके टहनी। तो गाइस मंदिर है काली माता जी का, मत्था टेक लेते हैं, बाकी निशांत भाई खड़े हैं। तो गाइस ये जो पेड़ है, बोला जाता है कि ये पेड़ है उल्टा पेड़ है, बोला कि इस जो इसकी जड़ है ऊपर साइड और नीचे वाली साइड है इसका टॉप, तो पता नहीं गाइस सब बोला जाता है, पता नहीं निशांत भाई आपको क्या लगता है? भाई मैंने तो बता दिया है, मेरे से मत पूछो, मेरे को डर लग रहा है। तो निशांत भाई बोल रहे हैं मेरे को डर लग रहा है, तो मौसम भी वैसा ही हो है अंधेरे अंधेरे वाला। निशांत भाई बोल रहे हैं मेरे को तो डायन दिख रही है इसके ऊपर बैठी हुई। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं, आओ आप घूमने, बढ़िया इधर आओ आप, कुछ नहीं है, बढ़िया इलाका है, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ से। हाँ जी, तो इस पेड़ का तो पता नहीं गाइस, जो बताना आपको, आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल व्यू क्या है और आपने क्या सुना है बताओ आप हमें कमेंट में। बाकी गाइस इसका जो तना है बहुत ही मोटा है, बहुत ही मोटा पेड़ है नीचे से, तो लगता है भाई बहुत ही पुराना पेड़ होना है भाई, बहुत ही पुराना मेरे को लगता है, बहुत ही पुराना होगा, है ना? हाँ तो ऐसा लग रहा है गाइस कि बहुत ही पुराना पेड़ है, अद्भुत चीज नीचे से देखो हरा भरा। हाँ तो है भी अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत पेड़ है ऐसा पेड़, आपने देखा है भाई पहले? नहीं भाई मैं तो पहली बार। तो मैं भी पहली, मैंने पहली बार ही देखा है ऐसा पेड़, तो बताना आप कमेंट में आपके क्या व्यूज है। तो चलते हैं वापिस, चल रहे हैं हम, बाकी डायना पार्क हम जा रहे हैं पहले ही, और मौसम देखो बहुत ही खराब हो चुका है सारा। और ऊपर देखो ये जो पहाड़ी दिख रही है ना भाई, ये शिकारी देवी वाला टॉप नहीं लगता है जैसे ऊपर से जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से देखो शिकारी देवी वाला टॉप? हाँ तो गाइस हम गए थे ऊपर, तो ऊपर सारी हमें शिकारी देवी वाली वाइब्स आ रही थी, जितनी भी जैसे शिकारी देवी वाला एरिया कैंपिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस। हाँ तो गाइस हम जिस साइड रास्ते से आए ना, परे वाली साइड से, जो कौन था रास्ता हो कटौड़ा वाला, हाँ, तो वहाँ पे कैंपिंग करने के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी लोकेशन थी, बीच में निशांत भाई बोल रहे थे कि कभी आएंगे हम तो इधर कैंपिंग करेंगे, जरूर आएंगे हमें, बहुत ही अच्छी जगह है, बेफिक्र होकर आइए। हम तो गाइस काले महीने में आए, भादरू महीने में बोला जाता है, किसी महीने इधर युद्ध होता है जो देवताओं और जो डायनो का युद्ध होता है, शायद चला ही हो, हम बोलते हैं कि दिखता भी नहीं है, अब क्या पता अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच है, तो गाइस ये तो भगवान जाने और जो लड़ रहे हैं वो जानते होने। तो गाइस बताना आप कमेंट में आपको क्या लगता है, ऐसा सच्ची में होता है कुछ कि नहीं होता है? बाकी हम नए रूट से जा रहे हैं, पहले हम कटौड़े वाले रूट से आए थे। हाँ जी, अब हम नए रूट से जा रहे हैं, हम पद्धर निकलेंगे, पद्धर से थोड़ा पीछे जैसे ऐसा सुना है मैंने, मैं भी नहीं गया हूँ इस रोड से, ना आया हूँ अभी भी, निशांत वाले आए हमें दूसरे वाले रोड से, तो चलते हैं अब वापिस घर को। तो ठीक है गाइस, पद्धर से बढ़िया दिख रहा है क्लियर, नीचे सारा पद्धर है, क्यों निशांत भाई पद्धर ही नहीं है? हाँ तो गाइस ये पद्धर का इलाका है, बाकी हल्की हल्की बूंदा बांदी भी लग चुकी है इधर, इस साइड देखो गाइस मौसम, ऊपर जंगल से कैसी धुंध निकल रही है बाहर को, तो मोटा ही खतरनाक मौसम, मेरे को तो लगता है असली युद्ध तो यहाँ पे ही होता है। तो ऐसा ही बोल रहे थे वो, कोई ऐसी कोई एक मतलब ऐसी जगह नहीं है फिक्स की भी यहाँ ही होता है भाई, कभी वहाँ कहीं भी हो सकता है इधर। जो लोकल थे उनसे पूछा हमने ऊपर की, उन्होंने बोला कि पद्धर 6 किलोमीटर है और हल्की हल्की बारिश भी लग चुकी है, शुरू हो चुकी है हल्की हल्की बारिश, तो फटाफट अगर निकल गए हम तो बढ़िया है, नीचे पहुँच जाएंगे, नीचे साफ है मौसम ऐसा ही लग रहा है देख कर, तो बाकी नीचे जाकर ही लगेगा पता, क्या पता तब तक नीचे बारिश पड़ जाए। तो ठीक है गाइस, गाइस बारिश लग चुकी थी पीछे थोड़ी थोड़ी, हमने गोप्रो निकाल दिया फोन से बना रहे हैं, तो पहुंच गए हम पद्धर, अगर पद्धर से आएगा कोई तो इस सड़क से चले जाना ऊपर को, बढ़िया डायना पार्क पहुँच जाओगे सीधा, हम दूसरी वाली सड़क से आए थे, 6 किलोमीटर है इधर से डायना पार्क, बाकी चलते हैं अब आगे मिलते हैं आपको। तो गाइस पहुंच गए हम मंडी, बाकी ये छोटी सी वीडियो बताना आप कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको वीडियो, और बीच बीच में बारिश पड़ी थी बहुत ज़्यादा, तो आ गए हम इधर। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ठीक है गाइस ध्यान रखना आप।